तो पड़ोसी के यहाँ से गुलाब की डंगाली लाई तो उसे लगा दी, और करेला का बेल भी लाई हूँ तो उसे भी लगा दी। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों तो कैसे हैं, आशा करती हूँ कि खुश होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। और आज बहुत टाइम हो चुका है और अभी मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ तो दिखाती हूँ। आज बहुत ज़्यादा धूप निकला है दोस्तों और आसमान बहुत सुंदर दिख रहा है, तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो ये रहा दोस्तों आसमान, कितना सुंदर दिख रहा है और धूप भी आज बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, बहुत सुंदर दिख रहा है आसमान। और कहीं कहीं पर बादल भी छाया है सफ़ेद सफ़ेद, और बहुत धूप निकला है दोस्तों और आसमान कितना सुंदर दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत सुंदर दिख रहा है आसमान। और कल मैं यहाँ पर धनिया लगाई हूँ और पानी भी गिर गया, बारिश भी हो गई दोपहर में, वहाँ पर मैं धनिया सुखाई हूँ दोस्तों धोकर मसाला पीसने के लिए। और ये भी रहा दोस्तों सीता का पेड़, लेकिन इसमें फूल आता है और नहीं फलता है। एक और पेड़ है सैगोन का पेड़ है और इसी के नीचे में है तो ये नहीं फलता है। और यहाँ से आज नन्ही के नाना एक और पपीता तोड़े हैं तो नहीं दिखा सकी दोस्तों, आज मैं कुछ अलग ही काम कर रही थी। हाँ मैं बता रही हूँ, यहाँ पर करेला का लता है, चढ़ गया है करेला का लता, ये कुंदरू में कुंदरू भी है और बैर के पेड़ में चढ़ा हुआ है। तो यहाँ से मैं भाजी तोड़ी दोस्तों, पानी नल में आ रहा था तो मैं सोची कि भाजी तोड़ लेती हूँ और धोना है तो इसलिए पपीता तोड़ते हुए आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो नन्ही के नाना तोड़ कर लाए हैं और आधा से कम खाए हैं, ये रहा पपीता। तो आज हम लोग दोस्तों करेला भाजी बना रहे हैं और थोड़ा सा मुनगा भाजी है करेला भाजी के साथ में बनाना है। और ये रहा टमाटर और बैंगन, तो इसी में डालना है करेला भाजी में। तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग दोस्तों करेला भाजी बहुत खाते हैं, बैंगन टमाटर और रहने पर सेमी भी डालते हैं, तो आज इसी का भाजी साग बनेगा दोस्तों, ये करेला और मुनगा भाजी का। और नन्ही के लिए आलू सब्जी बना दिए हैं, इसमें कुंदरू भी डाले हैं, नन्ही के नाना कुंदरू को खाएंगे, आलू को नन्ही खाएगी। और भात भी बन चुका, तो करेला भाजी को मैं बना लेती हूँ। और ये रहा दोस्तों सांप, पता नहीं क्या सांप है, ये भाग रहा है देखकर, चला गया वो अंदर। तो आज फिर बारिश होगी दोस्तों, सांप मैं देख ली। और हमारे तरफ कहावत है कि सांप जब देखते हैं बरसात के दिनों में तो बारिश होती है, तो बारिश होगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, चाहे कितनों भी समय में बारिश हो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी दोस्तों। और मैं सांप फिर से देख ली, जहाँ पर मैं धनिया लगाई थी तो वहीं पर वो सांप इधर आ रहा था। और जैसे ही मैं वीडियो बनाने गई, आप लोगों को दिखाने गई, तो वो सांप फिर उधर वापस चला गया। और मेरा भाजी पक चुका दोस्तों, और मैं आज ये पेड़ के नीचे में बैठी हूँ छाया में। ये रहा पेड़, सीता का पेड़ है ये। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, और हमारा घर जो टीना है तो धूप करने पर पूरा उमस भरा रहता है, भभक भरा रहता है, हम लोग भभक बोलते हैं उमस को। तो मेरा भाजी बन गया करेला भाजी, और बैंगन साथ में डालकर बनाई हूँ, टमाटर भी। तो बैंगन टमाटर डालने पर अच्छा लगता है दोस्तों, स्वाद उसका बढ़ जाता है।
तो बैंगन टमाटर डालकर ही हम लोग बनाते हैं, और रहता है तो सेमी भी डाल देते हैं और भाजी भी डाल देते हैं थोड़ा बहुत। तो करेला भाजी पक चुका दोस्तों मेरा, तो ऐसे बनाते हैं हम लोग करेला भाजी को और बहुत अच्छा लगता है। अभी सीजन आ रहा है, बरसात का आ गया है, तो करेला भाजी अब भरमार मिलेगा। तो हम इस तरह से बनाते हैं, बैंगन टमाटर डालकर रहने पर सेमी भी डाल देते हैं। तो मैं खाना खा रही हूँ दोस्तों करेला भाजी के साथ में। दोस्तों मैं आज अपने पड़ोसन के यहाँ जा रही हूँ, कुछ कुछ पौधा लगाऊंगी दोस्तों, और हमारे बाड़ी में उतना नहीं है तो जा रही हूँ, तो आप लोग भी चले मेरे साथ में। और मिल जाता है दोस्तों पड़ोसन के यहाँ, हम लोग एक साल नहीं थे तो हमारे बाड़ी में उतना कुछ है नहीं, जैसे कि करेला पोई भाजी और भी बहुत कुछ। तो जा रही हूँ, जितना मिलेगा तो उतना लाऊँगी, तो चले आप लोग भी मेरे साथ। तो मैं इनके यहाँ आ गई दोस्तों, और इनके बाड़ी से कुछ उखाड़ कर ले जाना है, अपने बाड़ी में लगाना है, तो मैं आ गई हूँ। और ये हमारी पड़ोसन है और जेठ बहू भी है, जैसे कि गांव में हम लोग एक जगह में पैदा होते हैं दोस्तों, तो कुछ ना कुछ हमारा रिश्ता रहता है हर कास्ट में। तो ये मेरी जेठ बहू है, और ये रही उसकी बेटी, और वो रही उसकी बहू, और वो है नाती। हम लोग जा रहे हैं, ये जो मेरी पड़ोसन है उसके बाड़ी में। तो ये रहा बाड़ी, और चल के जाएंगे दोस्तों, थोड़ा दूर में है तो जा रहे हैं। बहुत बड़ा बाड़ी है इनका, और हाँ इनके यहाँ भी बैगन है, पेड़ वाला बैगन है, छोटा वाला नहीं है, पेड़ वाला है। ये हर सीजन में फलता है ये बैगन। ये रहा दोस्तों बैगन, हर सीजन में फलता है। ये रहा बैगन, कितना सुंदर सफ़ेद सफ़ेद बैगन है ये। और यहाँ पर एक बेल भी गिरा है, बेल का पेड़ है, फूल फूला है गुलाब का। तो इसमें से छोटा सा डंगाली तोड़ कर ले जाऊंगी। और ये लोग भी मकई लगाए हुए हैं, और उड़द लगाए हैं ये लोग, उड़द लगाए हैं। अभी छोटा छोटा है, उड़द लगाए हैं। और ये रहा दोस्तों, बहुत सारा उड़द लगाए हैं लोग, वहाँ तक से इधर भी। और ये खेक्सा है दोस्तों, ये खेक्सा है। तो ये लोग मुझे अमरूद दिए हैं दोस्तों, तो मैं खा लेती हूँ अमरूद को। अब मुझे अमरूद बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। अब यही तो मेरे खाने लायक है दोस्तों, जैसे कि शुगर है तो इसको खाती हूँ, और जामुन को खाती हूँ, तो यही मेरा खाने में आता है, बाकी चीज़ को तो नहीं खाती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये अमरूद। तो ये रहा दोस्तों करेला का, और यह है करेला, तो इसे मैं उखाड़ लेती हूँ। बहुत है, बहुत करेला है यहाँ इनके बाड़ी में। गुलाब फूल का एक डंगाली ले जाती हूँ, तो ये बाबू तोड़ दे रहा है। तो ये गुलाब की, ये गुलाब की डाली को यहाँ पर मैं लगा देती हूँ दोस्तों, यहाँ पर लगा देती हूँ, खोद लेती हूँ, और यहाँ पर ठीक रहेगा। इधर मेरा धनिया है, तो अब मिट्टी डाल देती हूँ, गड्ढा खोद ली हूँ, और ये करेला का बेल को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, यहाँ पर लगा दे रही हूँ ये करेला बेल को। तो इसमें पानी डाल दे रही हूँ दोस्तों, पानी गिरे या ना गिरे पानी डाल देती हूँ, गिर जाएगा तो भी ठीक है, और नहीं गिरेगा तो भी ठीक है, डाल दी हूँ तो। और इसमें भी पानी डाल देती हूँ, जड़ पकड़ लेगा।
तो पड़ोसी के यहाँ से गुलाब की डंगाली लाई तो उसे लगा दी, और करेला का बेल भी लाई हूँ तो उसे भी लगा दी, और पोई का बेल नहीं मिला दोस्तों। तो कल फिर किसी के घर जाऊँगी पोई का बेल लेने के लिए, और उसे भी लगाना है। पोई भाजी अच्छा लगता है भिंडी के साथ में, करील और भिंडी के साथ में, कल उसके लिए जाऊँगी किसी के घर में। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं वो, अच्छा सा और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।